ऐसा लगता है ये चीज़ें देख के कि मतलब एक शो मिलने पे जब इतने फैंस मिल सकते तो आगे मतलब क्या ही है मतलब मुझे ऐसा लगता है फॉलोअर्स मैटर नहीं करते मैटर करता है कितने लोग आपको प्यार कर रहे हैं तो अगर वो 1.6 मिलियन लोग जो मुझे नेगेटिव नहीं है उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है तो मैं उस पॉजिटिविटी को काउंट करती हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे ये भी बोला ऐसे अपने फॉलोअर्स का फॉलोअर्स का नहीं है मुझे मुझे है कि वो लोग मुझे प्यार कितना करते हैं वो मेरे लिए मैटर करता है तो बहुत खुशी होती है मुझे कि यार इतने अच्छे लोग हैं जो इतना बेमतलब का प्यार करते हैं भाई आसपास के लोग आपके उंगलियां उठाते हैं मेरे लिए इतना गंदा बोला गया ना मैं बोलना भी नहीं चाहती इस लेवल का बोला गया मेरी माँ हर जगह मेरे साथ चलती है हर जगह कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा दे इवन मैंने नोएडा में भी जो फ़्लैट लिया था मतलब मेरा खुद का घर है ऑलरेडी ठीक है और जनता फ्लैट्स होते हैं ना तो वहीं पर मैं रही हूँ जो टू रूम सेट होते हैं तो एक टाइम जब मैंने पैसा वैसा जोड़ लिया था तो मैंने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ देने का सोची थी मैं खुद खरीद तो नहीं सकती थी उस लेवल का तो नहीं कमा लिया था बट इतना कमा लिया था कि मैं एक रेंट पे घर ले कर मैं मम्मी पापा के साथ रहती थी लेकिन जैसे ही मैं मुंबई गई उनको वापस फिर उस छोटे घर में आना पड़ा तो अब जब इंसान गरीबी से अमीरी में जाता है ना तो खुशी होती है लेकिन भाई अगर वो इंसान अमीरी से गरीबी में जाता है ना तो वो नहीं एडजस्ट कर पाता तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी अब एडजस्ट नहीं कर पाती उस घर में उन्हें प्रॉब्लम होती है तो मेरा ड्रीम यही है कि उनको फिर से वही वैसे ही घर में दोबारा पहुंचाना है जहाँ से मैं उन, जो मैं उनको लेकर गई थी बड़े घर में तो अभी वो भी एडजस्ट नहीं कर पाती हैं क्योंकि मैं भी जाती हूँ ना नोएडा कभी कभी तो मैं मेरा भी सामान है जैसे मैं पागल हो जाती हूँ कि भैया मैं कैसे एडजस्ट करूँ नहीं हो पाता है एडजस्ट क्योंकि अब मैंने दिखा दिया उनको वो वाली लाइफ लग्जरी तो वो मेरे चक्कर में ना फिर वो लोग वापस उसी घर में आ गए क्योंकि मेरी एक बहन कैनाडा में है और एक छोटी बहन है मम्मी पापा तो वो तीन लोग क्या उस बड़े घर में क्या करते हो तो वो लोग वापस वहीं आ गए फिर पापा की तबीयत खराब होगी पापा भी जॉब पे नहीं जा पा रहे तो ऐसी चल रही है अभी तो तो मतलब कह सकते कि फैमिली का सपोर्ट पूरा था फुल मैं बता नहीं सकती ऐसी फैमिली भगवान सबको दे इतने सपोर्टिव ना और बाहर बहुत जब बहुत सारी नेगेटिव बातें भी फैली थी जब मैं प्ले ग्राउंड से लेकिन मेरे घर वाले मेरे साथ थे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है क्योंकि मेरे माँ बाप की नजरों में मैं साफ हूँ तो मैं और मैं कुछ ऐसा गलत करूंगी भी नहीं कि उनकी नाक कटे कि भैया हमारी बेटी क्या कर रही है उनको मेरे पे विश्वास है तो बस इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनियादारी से अब लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं भाड़ में जाए उनको तो काम है बोलना अगर हम अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे उनको बातें बनानी है और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना तो चार लोगों के मुँह वैसे भी खुलते हैं तो भाड़ में जाए फिर